सतवास में शनिवार देर शाम को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कन्नौज द्वारा नौ चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए पवित्रा दीदी ब्रह्मा कुमारी ने बताया कि नैतिक मूल्यों के उत्थान और सामाजिक बुराइयों से स्वयं को बचाए रखने तथा घर परिवार में सुख शांति से रहने के उद्देश्य से चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन सतवास में किया जा रहा है। यह आयोजन सतवास में 3 दिवस तक सायंकाल में चलता रहेगा। उल्लेखनीय है कि 9 देवियों की चैतन्य झांकी में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने झांकी की खुलकर प्रशंसा करते हुए इस अनूठे आयोजन की सराहना की। सतवास से जीतू सिंगी की रिपोर्ट। ये किस संबंध में झांकी आपके द्वारा बनाई गई? ऐसे ही माँ के दो रूपों का हम लोग करते हैं हर साल कन्नौज में करते हैं। इस साल यहाँ पर हम लोगों ने किया और उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं और साथ में शिव की शक्तियों के बारे में भी हम लोग बताते हैं। शिव का संदेश देने की कोशिश करते हैं लोगों को कि ताकि वो लोगों को भगवान का सही परिचय मिल जाए, उसके विषय में लगाते हैं। आपका उद्देश्य क्या है झांकी लगाने का? यार यही कि शिव का संदेश सबको मिल जाए, कि शिव से सब लोग शक्ति लेके उनकी तरह ही एकाग्रता की शक्ति से धारण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।